सेवेचे केजरीवालजी, पंजाबचे मुख्यमंत्री, मनसभेचे हे प्रजातंत्राची रक्षा करण्याची जे काही किंमत देणी पडेगी इतकी तयारी रखणारे सगळी नेतागण धन्यवाद भाई, मैं कोई ज़्यादा समय लेने वाला नहीं। आज जिस तरह से एक दिल्ली के जनता ने भारी वोटों से दिल्ली की हुकूमत जिनके हाथ में दे दी, जिनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, उन दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर पिछले कई सालों से हम सब लोग देखते हैं कि दिल्ली की जनता ऐसे एक तरह की दबाव की नीति करने वाली कोई भी शक्ति हो उनको अपनी जगह दिखाने का काम अच्छी तरह से करती है। अरविंद केजरीवाल ये जनता के प्रधान है, जनता ने उनको समर्थन दे दिया, उनके हाथ में कारोबार दे दिया और कई साल से हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री के नाते से वो हो या उनके साथी हो, इन्होंने एक हुकूमत कैसे चलती है, करनी चाहिए और लोगों की समस्या कैसे हल हो सकती है, इस बारे में एक आदर्श देश के सामने रखने का बहुत बड़ा काम किया। और जब कोई भी व्यक्ति हो तो अच्छी तरह से काम करती है, जनता का समर्थन मिलता है, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ उन्हें पूरी तरह से सहयोग दे दो, पूरी तरह से ताकत दे दो। मगर हमने देखा, पूरे देश में देखा कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी, उन्होंने एक अच्छी तरह से सरकार यहाँ चलाने का काम किया। इसे जो नाराज है भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र सरकार में बैठे हुए नेता लोग हैं, इन लोगों ने प्रजातंत्र पर हमला करके, कानून की धज्जियां करके आज अरविंद केजरीवाल और उनके कई साथियों को जेल में भेजने का काम किया। आपने देखा कि झारखंड में ऐसा ही हुआ था, वहाँ का एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री, उन्हें जेल में भेज दिया। एक अच्छी बात है कि कोर्ट ने उनको एक तरह से जस्टिस दे दिया, मगर हम दिल्ली में देखते हैं कि देश की राजधानी, पूरा देश जिसका ध्यान दिल्ली पर है और इस दिल्ली का कारोबार जिन्होंने बड़े अच्छी तरह से किया, ऐसे अरविंद जैसे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक साजिश करके उनके खिलाफ एक गलत कदम उठाने का काम भारत सरकार ने किया है। क्या उनकी शिकायत है, क्या उन्होंने गलत काम किया? कई राज्यों में हम देखते हैं, हर राज्य और हर राज्य की हर समय पर उनकी नीति होती है। हम देखते हैं आज महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, कर्नाटक में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, कौन से भी राज्य में जाएंगे तो आपको इस राज्य की कुछ इशू की नीति इसका अंदाजा लगाएगा, चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे विकास पॉलिसी हो, चाहे उद्योग की पॉलिसी हो, इस तरह से नीति तय करने का अधिकार उस राज्य सरकार का है। यहाँ क्या किया, यहाँ कुछ गलत काम नहीं किया, देश में एक राज्य में एक नई नीति लोगों के सामने रखने के लिए दिल्ली सरकार ने
कुछ कदम उठाए और आपको नीति पसंद नहीं होती तो इसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मगर राज्य सरकार ने नीति तय की, इसलिए मुख्यमंत्री और उनके साथियों को जेल में भेजना ये आज तक देश में कभी हुआ नहीं। ये गलत काम आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के हुकूम से किया और इसलिए ये काम जो हमला जरूर हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर है, जरूर ये हमला अरविंद केजरीवाल का उनके साथियों के ऊपर है, मगर हम ये जानते हैं कि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करते हैं और पूरा देश चुप बैठेगा, शांति से बैठेगा तो बाकी राज्यों में इस तरह का तेरह साल आज देश की राजनीति करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए हम लोगों को मिलकर एक ही काम करना हो जो प्रजातंत्र पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दे दी, संविधान का अधिकार दे दिया, इसके ऊपर कोई भी हमला करने के लिए आगे आता है तो आप और हम सब मिलकर पूरी ताकत से हम अरविंद जी हो उनके साथी हो उनको सहयोग देंगे, उनको साथ देंगे, उनके लिए जो कोई कीमत हमें देनी पड़ेगी वो कीमत देने की तैयारी हम लोग रखेंगे और इतना विश्वास दिल्ली के साथियों को देंगे कि आप अकेले नहीं पूरा देश आपके साथ है रहेगा और इससे हमें कामयाब होगी। इन्हें शब्दों से मैं आपसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान।